चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं केरल, जहां पर राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, केरल जहां पर राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से किसानों के समर्थन में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो उतर आई हैं और कह रही है कि कृषि कानून के खिलाफ वो किसानों के समर्थन में है और किस तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो मजबूत करने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। नाम यानी किसान का और काम तमाम राजनीतिक पार्टियों का। यहाँ एक विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कृषि कानून को लेकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल से। तो देखिए ट्रैक्टर रैली निकाल करके किस तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी, ये केरल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली टू केरल, राहुल की किसान सियासत आप देख रहे हैं। तो ट्रैक्टर की सवारी दीपिका यहाँ कह सकते हैं कि राहुल के लिए मजबूरी बन गई है और राहुल ने ही ये किसान आंदोलन की शुरुआत की थी ट्रैक्टर पर बैठकर। और एक बार फिर से ट्रैक्टर पर बैठे हैं राहुल गांधी। ये कह सकते हैं किसान नहीं बल्कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। और वजह देखिए कि किस तरीके से यहाँ ट्रैक्टर पर एक बार फिर से बैठे हैं। ट्रैक्टर को भी ज़रा गौर से देखिए क्योंकि खेत में चलने वाले जो ट्रैक्टर होते हैं वो अलग होते हैं और जिस पर राहुल गांधी बैठते हैं वो ट्रैक्टर बिल्कुल अलग होता है। आपको याद होगा पंजाब में किस तरीके से ट्रैक्टर पर बैठे थे राहुल गांधी और जहां से इस पूरे कृषि कानून को लेकर पूरे किसान आंदोलन ने तूल पकड़ा। राहुल गांधी वही जो जिस ट्रैक्टर पर राहुल गांधी बैठे उस पर सोफे लगे थे। ट्रैक्टर पूरी तरीके से मॉडिफाई था, यानी जो ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो असली किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो ट्रैक्टर नहीं होती, ट्रैक्टर भी सियासी होता है राहुल गांधी का। और वजह यही है कि किसानों के नाम पर किस तरीके से सियासत की जा रही है, किस तरीके से अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो नए कृषि कानून को लेकर के देखिए किस तरीके से केंद्र पर लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमलावर हैं। और ये केरल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठ करके अपनी सियासत को चमका रहे राहुल गांधी। देखिए उनके तमाम समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं और ट्रैक्टर पॉलिटिक्स यहाँ पर एक बार फिर से करते हुए राहुल गांधी नजर आए। ट्रैक्टर पॉलिटिक्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब से शुरू हुआ और देखिए केरल में अब पहुंचे हैं राहुल गांधी। वहां पर भी ट्रैक्टर की सवारी अब राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है। किस तरीके से ट्रैक्टर को सजाया गया है, जरा गार्ड्स को भी देख लीजिए किस तरीके से जो सुरक्षा में लगे गार्ड्स हैं वो पैदल ही कह सकते हैं दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा भी देनी है। और ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है, ये मजबूरी नहीं है तो क्या है। जिस तरीके से राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार हैं, सांकेतिक तौर पर जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो किसानों के नाम पर राजनीति की ही है, क्योंकि बार बार किसान महापंचायत के नाम पर कांग्रेस जो है वो आयोजन करती है अपनी राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियों के जो सदस्य होते हैं वो आते हैं और नाम होता है किसान महापंचायत का। एक बार फिर से केरल से ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी हैं राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे हुए वो आगे आगे दौड़ रहे हैं ट्रैक्टर के। और ट्रैक्टर को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, ये वो ट्रैक्टर नहीं जो खेतों में चलती है, ये वो ट्रैक्टर है जिस पर राहुल गांधी बैठते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक्टर की सवारी अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मजबूरी बन गई है। वजह यही है कि बार बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और देखिए मुमकिन है श्वेता कि ट्रैक्टर रैली के बाद वो किसानों की सभा को भी संबोधित करें। और जाहिर है कृषि कानून को लेकर के केंद्र पर लगातार हमलावर हैं प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी। पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि कानून को लेकर के किसानों का समर्थन करते हुए, आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। किसान हो या ट्रैक्टर, सभी में वोट दिखता है और जहां वोट दिखता है वहां देखिए तस्वीर कुछ कैसी नजर आती है। ये देखिए ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी, ट्रैक्टर को बकायदा सजाया गया है और उस पर सवार होकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं। लेकिन जरा इस ट्रैक्टर को भी गौर से देखिए कैसे ये मजबूरी बन चुकी है राहुल गांधी की, कैसे कृषि कानून के मुद्दे को जब भुना नहीं पाए, जब विरोध नहीं कर पाए और जब किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है तो विपक्षी पार्टियां जो हैं किसानों के नाम पर, ट्रैक्टर के नाम पर राजनीति करती नजर आ रही है। ये वही तस्वीर, क्योंकि पंजाब का वो ट्रैक्टर आपको याद होगा जब राहुल गांधी उस ट्रैक्टर पर बैठे थे वो बकायदा मॉडिफाई किया गया था इस तरीके से कि राहुल गांधी को उस पर दिक्कत ना हो, इसलिए सोफे लगाए गए थे। आम किसान के खेत में जो खड़ी रहती है ट्रैक्टर उसमें कभी आपने इस तरीके से सोफे नहीं देखे होंगे, लेकिन राहुल गांधी की आज मजबूरी बन चुका है ये ट्रैक्टर। और देखिए
जिस तरीके से एक बार फिर से ट्रैक्टर पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे राहुल गांधी। तो केरल की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आपको दिख रही है। देखिए प्रियंका गांधी कई बार कृषि कानून को लेकर के सरकार को घेर चुकी हैं, दोनों भाई बहन बॉर्डर पर भी नजर आए थे। किस तरीके से कृषि कानून को लेकर के तमाम बातें केंद्र सरकार पर उन्होंने कही थी, और यह आंदोलन जिसे आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसको लगातार बढ़ावा देने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस में ये नोटिस जारी किया गया है। नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है, तो नेशनल हेराल्ड केस, जब जब नेशनल हेराल्ड का नाम सामने आता है सोनिया गांधी राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आती हैं। एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। जाहिर सी बात है कि एक दुखती रग और एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। निचली अदालत में केस चल रहा था लेकिन उस पर गवाहों को लेकर जिस तरीके से कुछ दस्तावेजों को लेकर आपत्ति जताई गई थी और होल्ड पर कर दिया गया था। अब सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।